नूर क्या कह रही थी? अपने बेटे के लिए परेशान थी, उसे कहीं सेट करना चाहती। क्या कहा फिर आपने? मैं सोच रहा हूं कि उसे साहिर के साथ सेट करूं। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। क्या हो गया, इस तरह क्यों कह रही? एक मरतबा आप उस बच्चे पर भरोसा करके उसे बहुत रुपया दे चुके और वो नुकसान भी कर चुका, फिर आप नूर की बातों में आकर उस पर भरोसा करेंगे? तो और क्या करूं, जब हम एक ही घर में रहते हैं, हमारे मसाइल भी एक ही, मुझे ही बड़ा बन के सुलझाना होगा ना। शेरियार, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके मसलों में। ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें मुदाखलत ना करूंगा, खुद ही हैंडल करूंगा। मामा, वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत डिसेंट और नाइस। अच्छा, और आप जानती हैं उन्होंने अकेले इतनी मेहनत करके फैसल को इस काबिल किया। जबरदस्त। और क्या क्या करती हैं वो? टीचिंग के अलावा ना बेकिंग इतनी अच्छी करती है, कोई भी खा लेना दीवाना हो जाए। तो मुझे कब मिलवा रही हो तुम इतनी टैलेंटेड खातून से? मामा क्यों नहीं, आपसे मिलकर तो वो बहुत खुश होंगी। अच्छा, मुझसे मिलकर क्यों खुश होंगी? क्योंकि मेरी मामा लाखों में एक है। अच्छा, ये तो बताओ कि आज मेरी इतनी बटरिंग क्यों हो रही? कोई खास बात है फैसल में? माँ, आप भी ना, मतलब फैसल से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं है तुम्हारी? अब आप जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मामा, वो बहुत अच्छा लड़का है और शायद मैं उसे बहुत पसंद भी करने लगी हूँ। कोई है शायद, है ना? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। मैं देखती हूँ।